प्रशासन के नियमों का खुले तौर पर उल्लंघन, धड़ल्ले से चल रहा अवैध रेत का कारोबार, प्रशासन के नाक के नीचे बेखौफ दबंगों का आतंक, ग्राम पंचायत में होने वाले निर्माण कार्यों के नाम पर अब अवैध रेत निकासी कर बेचने का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। क्या नदी क्या नाले, रेत माफिया तहस नहस करने से बाज नहीं आ रहे और यह नजारा पूरी तरह ग्राम पंचायतों में लगातार बदस्तूर जारी है। आपको जानकारी होगी कि हमने चंद दिनों पूर्व ही गौर के समाधि स्थित नरई नाला स्थित क्षेत्र के दबंग द्वारा बेखौफ रेत निकासी की खबर दिखाई थी। नदी नालों का सीना छलनी कर प्रकृति का संतुलन बिगाड़ने वाले इन लालची के चेहरे से हम नकाब उतारते रहेंगे। ऐसा ही कुछ हाल जबलपुर पनागर रोड पर स्थित मुख्य पर्यट नदी का है। यह दृश्य जो आप देख रहे हैं, दरअसल यह पर्यट महगवा ग्राम पंचायत से होकर गुजरने वाली पर्यट नदी का है, जहां प्रशासन की नाक के नीचे बेखौफ दिन दहाड़े रेत का अवैध कारोबार मजदूरों से कराया जा रहा है, जबकि इसका सरगना कोई और नहीं बल्कि क्षेत्र के ही जनप्रतिनिधि का पुत्र है, जिसकी पुष्टि यहां आवास योजना के तहत बनाए जाने वाले मकान के हितग्राही ने यह कहकर की उसने 5,000 रुपए देकर रेत खरीदी है, जिसका नाम उमेश चौधरी है। उमेश चौधरी कोई और नहीं यहाँ के जनपद सदस्य का पुत्र है, जिसके इशारे पर रेत निकासी की जा रही है, जिसकी जानकारी स्थानीय थानों सहित माइनिंग टीम को भी है, किंतु इस पर कोई कार्यवाही करने के लिए सामने नहीं आ रहा और रेत का कारोबार यहाँ खुले आम किया जा रहा है। कौन सी नदी से? ये पर्यट नदी। पर्यट नदी किसने बोला? मकान बन रहा। किसका मकान बन रहा? कौन सा मकान बन रहा है? अरे जी, अभी निकला है ना जो मकान का आवास योजना के तहत जी। अभी आप किसी बिल्डिंग में रख के आए रही था जी? यहाँ पे रख के आए जी। उनके यहाँ क्यों रख के आए? मकान तो ये बन रहा। अरे उनका नाम कौन से कौन है? नेत्राम। क्यों रख के आए उनके यहाँ? अब उनको बुलाना पड़ेगा। कौन सी नदी से रेत निकाल रहे? पर्यट नदी। पर्यट नदी से कितने दिन से रेत निकाल रहे? अभी तो निकाले परसों से। अच्छा, कितनी टाइम रेत निकाले? अभी ज्यादा 3 टाली। सरपंच ने बोला है? यहाँ सरपंच बोला रहा। किसने बोला था आप लोगों को रेत निकालने के लिए? सरपंच ने मतलब जो मकान के लिए बोले थे तो निकाल लेते, पंचायत के लिए निकलती थी ना रेत, पंचायत में गिराते थे। अब रेत क्यों निकाल रहे हो? स्लिप के लिए तो उसका तो पैसा मिला होगा ना आपको? मिला, उसी में तो खरीद रहे हैं। खरीद रहे जी? किससे खरीद रहे हो? अरे ये लोग इन्हीं से खरीदे हैं। कहाँ से खरीद? कितने में बेच रहे हैं ये लोग? कह रहे लड़का ऐसी बताओ। अब हमें नहीं मालूम कि लड़का है, लड़का ठहराया हो उसे। कितने रुपयों में कितने ट्राली बोला था कि रेत वहाँ से निकाल के आप अपने मकान में लगा लें? नहीं तो हम खरीदे हैं सर। अच्छा जी, पर्यट नदी की रेत? हाँ, खरीदे हैं। कितने पैसे दिए आपने? अभी 5,000 का आज दिए हैं। किसको? हाँ, दिए हो? रेता वालों के। कौन है मेन आदमी, किसके हाथ पे दिए? वो मुकेश चौधरी है, यहाँ की लड़का आता होगा तुम मोड़। मुकेश चौधरी जी, उसके हाथ में दिए थे। वो रेत बिकवा रहा है। जानकार बताते हैं कि स्थानीय जनप्रतिनिधियों की मिलीभगत से रेत का अवैध भंडारण कर यह कारोबार कई दिनों से चल रहा है और पर्यट नदी को तहस नहस करने में क्षेत्र के ही लोग जी जान से जुटे हुए हैं। मामूली सा केस चल रहा है। कलेक्टर साहब तो खुद आए थे उस पर कार्रवाई करने। वो रेत रखी थी तो वहाँ कहीं तो मिली नहीं शायद दोबारा उनको। इतना बड़ा काम दो नंबर का चल रहा है तो पुलिस की मिली भगत से चल रहा होगा ना? और का ना तो है ही। बिना भी नंबर दो काम कर रहे तो पैसा का भैया, पुलिस को पहले लगता है इनाम दोस्तों, इसके बाद घाट पर पहुँचोगे तुम कहाँ लगाए तुम, समझे ना? पुलिस बहुत वो है, चोर से कहेगी चोरी करेंगे, तुम चोरी करना भी और माल ला के हमको देना, तुम पकड़े जाओगे तो मैं देखूंगा भाई तेरे को छोड़ दूंगा कितने दिन बाद, मेरे क्या करना है वो मैं जानूंगा। और वो पकड़ा गया तो वो हाथ खड़े कर दूं? बताओ ना। और नहीं तो माल ला आधा दे मेरे को, 4 आना मिलेगा तुमको, 12 आना हम खाएंगे, बस पुलिस का काम ही ये। बताओ ना। नहीं, यहाँ से भी तो चल रहा है, हमने सुना है यार नरई नाला कहाँ पड़ता है, यही तो यहाँ से भी तो निकाल ला कोई भी। अरे कौन निकालेगा, सब जिसको लगती घर वाले थोड़ी निकाल देते हैं। और उन लोग कोई नहीं निकाल रहे भाई? क्या है, यहाँ सब रिश्वत का काम चल रहा है। सुनो भैया, दादा यहाँ के माल को अपन कोई की बुराई नहीं कर रहे हैं, कोई नहीं। एक बात बताइए अपन ने, गोपाल भैया
बुराई की क्या बात है दादा? तो भैया क्या है, कोई करता है डरता है तो नहीं जानता, पुलिस को पहले बना लेता है, पुलिस उनके घर में आती है, अपन क्या छोटे से आदमी अपन क्या मानेंगे उसका, बताओ ना, कोई कछु भी कर रहा, इतनी मिट्टी लग गई अवैध की, इतनी जे हो गया, अपन का रोमा उखाड़ पाए, पूरी पहाड़ी की पहाड़ी लग गई मेरे में अवैध अवैध क्या बता रहे, कोई कुछ नहीं कर पाओ भैया, हमारे गांव को कोई मालगुजार है और बोले कर रहा है तो कर लो भैया, हम क्या कर सकते हैं, कोई का भी हो कहीं का भी कर तो इसके पास है, पैसा है वही तो है ना पटेल का, उसके पास पैसा है कर रहा है, लेकिन पकड़ भी तो गया शासन ने, पकड़ भी तो लिया है, पहले खूब निकली मतलब पहले तो खूब लेकिन नाला की नहीं निकली, नाला की भी तो रेत एक नंबर रेत है, नहीं हमारे यहाँ कोई ना उपयोग नहीं करी अभी नाला नंबर आठ, लेकिन क्या है कि नर्मदा में बहुत हुआ दो चार दस साल से बहुत खोद गई नर्मदा कितनी। कैमरामैन सुधीर तिवारी के साथ शशिकांत राणा की रिपोर्ट। प्रशासन के नियमों का खुले तौर पर उल्लंघन, धड़ल्ले से चल रहा अवैध रेत का कारोबार, प्रशासन के नाक के नीचे बेखौफ दबंगों का आतंक।